Telebus brings to you some latest updates on the newest show of television, Meri Aashiqui Tumse Hi. Till now, we've seen that Ishani and Ranveer got married, and Ishani is trying to fit herself in this unexpected relationship, right? So now in the upcoming episode, you will see how Ranveer has accepted Ishani as his wife and is taking care of her in all possible way. Let's see what Ishani and Ranveer has to say about this upcoming sequence. Check this out. Scene ye tha ki main already bahut shock mein thi ki mere saath ho kya gaya, and main kamre ke andar jaati hu and main baithti hu and ek toy hota hai blanket ke niche and usse awaaz aati hai pichu. रणवीर को पता नहीं कि वहाँ से आ रही है तो मुझे और इरिटेटिंग लगता है एंड और मेरे को लगता है ये क्यों कर रहा है ये सब. मैं पहली बार इग्नोर करती हूँ, सेकंड टाइम जो ये वॉशरूम से बाहर आ रहा होता है मैं रो के हड्डी होती हूँ, वॉशरूम से बाहर आते हैं उसी टॉय को उठा के ऐसे करके हंसने लग जाता है, पापा 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 हंसने लग जाता है, तब मैं भड़क जाती हूँ, आग बबूला हो जाती हूँ. एंड देन उसके बाद आपने देखा कि मैं क्या करती हूँ. मुझे फर्स्ट वाला लुक बहुत कंफर्टेबल लगा था, बहुत ही कंफर्टेबल, ऑल्दो वो स्टाइलिश नहीं था बट इट वाज वेरी कंफर्टेबल. सब लोग गर्मी में मरते रहते थे शेरवानी पहन पहन के, और मैं वही पार्टी की वही वो नल्ला सा शर्ट चेक्स वाला और वो गंदी सी जीन्स और वो सड़े हुए चप्पल उसमें भी होल थे तो वही पहनता था मैं, बड़ा कंफर्टेबल था. फिर उसके बाद मैं इतना मतलब पक चुका था कि मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं एंड देन आई गॉट 3-piece suits. तो 3-piece suit जैसे मैंने पहनना शुरू किया मुझे पहनकर तो बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं आर्मी बन चुका हूँ. लेकिन जो गर्मी में जो मैं पागल होता था, ये पंखा मारती रहती थी बेचारी हर जगह पे, गर्मी में पसीने से टपक रहा है सब, तो वो मैं पहन पहन के फिर पागल हो गया. फिर मुझे लगा फिर कुछ तो चेंज होना चाहिए, तो फाइनली हमारी शादी हो गई एंड नाउ आई हैव दिस लुक ऑफ जींस एंड जैकेट, सो आई एम नाउ फीलिंग कूल इन दिस एंड आई थिंक आई लव दिस लुक नाउ. मुझे फर्स्ट लुक अपना बहुत सही लगता था एंड यहाँ मैं कंफर्टेबल होती थी एंड मैं अमीर थी. जब जब मैं अमीर हुई मुझे बहुत अच्छा लगता है. सेकेंड लीव के बाद जब गरीब आई तब मेरे को अपना आउटफिट बहुत बहुत गंदे गंदे दिखते थे एंड मुझे पता लगता था मैं कैसे चुप हो नहीं मान देते थे. मैं विश करती रहती थी कब मेरी रणवीर से शादी होगी, अमीर कब होंगी, क्योंकि चिराग भी अमीर तो था नहीं, तो मैं विश करती रहती थी कि हाँ मेरी रणवीर से शादी करा दो. ये जैसे मेरी शादी हुई तो मैंने सबसे पहले भांगड़ा पता गिद्दा ये ऑफ स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन. So guys, will she ever accept Ranveer as her husband? Will Ranveer make Ishani fall in love? What will happen next? Tell us what do you think with your comments below and hit the like button for Ishani and Ranveer. Also, subscribe to Telebus for more daily television updates.